माता की, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। मेरा नाम आशा कांबले है, मैं दिल्ली से हूँ और ईपीएस 95 की एक पेंशन भोगी भी हूँ मैं जी। तो आज हम यहाँ धरने में आए हैं ताकि सरकार हमारी मांगे जो हम चाहते हैं वो पूरी हो जाए हमारी मांगे। देखिए जी, उम्मीद पे तो दुनिया चल रही है, हम भी चाहते हैं कि सरकार हमारी बात, 7 साल से हम बोलते आ रहे वही चीज, अब उम्मीद है कि अब इस बार हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। देखिए वादे तो सही बात है कि सरकार जो हम कहते जा रहे हैं वादे तो कर रही है, मगर अभी चुनावी मामला है, हो सकता है कि जैसे किसानों का मुद्दा चल रहा है और दूसरे मुद्दे चल रहे हैं, शायद हमारा ईपीएस का मुद्दा भी अभी इस टाइम पे हमारी सुनवाई हो जाए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम अपना ही पैसा मांग रहे हैं, जो हमारे पसीने की गाढ़ी कमाई है वही हम सरकार से मांग रहे हैं। हम सरकार से कोई भीख तो नहीं मांग रहे, अपना पैसा मांग रहे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह के लिए हमारे जितने भी हमारे काम काज है वो सब रुके हुए हैं। हमारा 1000 रुपए 1500 रुपए पेंशन में हम क्या कर सकते हैं, तो सरकार हमारी इस बात की सुनवाई क्यों नहीं करती? क्या कहेंगे मोदी जी से आप? हम तो यही कहेंगे मोदी जी से, हर बार हम प्रार्थना ही करते हैं, हर बार मोदी जी हमें निराश कर देते हैं। इस बार जी जी इस बार हमारी बिल्कुल दिल से, और हम यही चाहते हैं कि मोदी जी हमारी ये सुनवाई पूरी करो। बहुत सारे पेंशन जो 70 साल के लोग हैं वो बेचारे इतने बीमार हैं, इतने परेशान हैं, दूर दूर से हर स्टेट से यहाँ आए हुए हैं, उनसे इतना चला नहीं जाता, इतना दवाई का दिक्कत है उन्हें, हर चीज के बीमार हैं वो लोग, आए दिन रोज बुजुर्ग लोग मर रहे हैं, पेंशनर्स मर रहे हैं। बताइए कि अब हम इससे ज्यादा और क्या करें? अगर सर शायद दिख रहा है पर फिर भी वो देखना नहीं चाह रहे हैं। बार बार हम यहाँ पर जनता धरना प्रदर्शन करते हैं, बार बार वही बात होती है। अगर इस बार मोदी जी ने, हमारी सरकार ने ये बात नहीं सुनी तो हम यहीं जिएंगे और यहीं मर जाएंगे। देखिए मंत्रालय की बात, जो बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वो ये नहीं जानते कि जमीनी स्तर पे लोग कितने परेशान हैं। वादे तो सभी करते हैं मगर जरा जमीनी स्तर पे आके कोई नेता आके देख कर तो जाए कि लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, उनके घरों में रोटी नहीं है खाने के लिए, वो कैसे दवाइयों के बिना मर जाते हैं, 1000 रुपए पेंशन में कोई कैसे चला लेगा घर अपना, क्या सरकार को ये दिखाई नहीं देता है? बड़े बड़े नेता बैठे उन्हें ये नजर नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ कुर्सी पे बैठ के ऑर्डर करने से काम नहीं चलेगा, उस ऑर्डर को पूरा भी करना पड़ेगा। हम सभी जवाब लेते हैं उनसे, मगर जब हमारे प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे तो वो विधायक क्या करेंगे? उससे बड़ी तो केंद्र सरकार बैठी है, उनको इसका फैसला करना चाहिए। तो हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं, अगर इस बार सरकार ने सुनवाई नहीं करी तो हम उन्हें वोट भी नहीं देंगे और दूसरा यही धरना देंगे और यही जिएंगे यही मरेंगे। सरकार इसकी जिम्मेदार होगी, सरकार यही चाहती है तो यही सही। जीना किसी के हक में नहीं है, मरना तो हमारे हक में है, मर तो सकते हैं ना। हमारे पैसे तो करीब 500 रुपए 500 से ज्यादा हर महीने का कटा है, जबकि मैं क्या कहूं आपसे कि मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, उनके उनकी पेंशन का पैसा तक मुझे नहीं मिला है। तो मैं ये चाहती हूं कि पैसा हमारा जल्द से जल्द हमें मिल जाए। मैं अपने बच्चे कैसे पालूं, कैसे मैं उन्हें पढ़ाऊं? सरकार को ये चीज देखनी चाहिए, जल्दी से जल्दी इसका निवारण करना चाहिए। और इससे ज्यादा कहने के लिए मैं क्या बोल सकती हूँ? हमारा है करीब 2000 रुपए पेंशन है मेरी जी, बिल्कुल घर का खाने का खर्चा, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, बताइए मैं कैसे करूँ? मेरी अभी एक बेटी है जिसकी मुझे शादी करनी है, उसका मैं कैसे करूंगी? बेटा मेरा अभी पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, उसे कोई कोर्स नहीं करा सकती मैं। सरकार डिजिटल की बात करती है कि आज सब ऑनलाइन हो गया है,
मेरा बच्चा जब पढ़ेगा नहीं तो वो डिजिटल क्या करेगा, वो कैसे ऑनलाइन काम करेगा, क्या नौकरी मिलेगी उसे। मोदी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती जा रही है, हमें भी ऐसे आश्वासन दे रही है आज होगा कल होगा आज होगा, मगर मुझे लगता है कि जब तक हम यहाँ पर अपने लिए बिल्कुल मरने की कगार पे नहीं आ जाएंगे तो मुझे लगता है सरकार तब तक उनके कानों पे जू नहीं रेंगेगी। देखिए अब ये तो वक्त बताएगा, सरकार को पता चल जाएगा कि वोट किसका ज्यादा है। जो अपने घर के बुजुर्ग बड़े सीनियर को नहीं लेके चलेगा तो फिर उनका तो गड्ढे में गिरना। महाराष्ट्र बुलढाणा से आए हुए हैं, मांग हमारी पेंशन की मांग है ना, और क्या मांग है, नहीं 2100 रुपए, 2100 कैसे होगा ये आप ही बता दो ना, कैसे होगा 2100 में, क्या 1100 में सिलेंडर मिलता, नहीं हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया अभी तक, तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, बस केवल हम यहाँ धरना दिए बैठे हुए हैं। धरने के माध्यम से ये संदेश देंगे कि आप बोलते हैं ना कि हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम भी महिलाएं हैं और उनको मालूम होना चाहिए कि घर का बजट महिलाओं के पास रहता है, महिलाएं क्या करेंगी, 1100 में सिलेंडर आ रहा, वो बोलते हमने फ्री दिया, लेकिन फ्री दे के हम भराएं कहाँ से, 1100 में सिलेंडर आ रहा, उसमें बीमारी है, बच्चे हैं, घर के और बूढ़े बुजुर्ग है, भाई 97 साल की है, अब बोलो हम कब किस किस का कैसे इलाज कराएंगे, किस किस को खिलाएंगे, कैसे क्या चलेगा आप बताओ।